लोग शिकायत क्यों करते? तो लोग शिकायत क्यों करते इसके बारे में जब मुझे कोई पूछता है तो मैं पहला मेरा आंसर रहता है कि जब कोई शिकायत करता है तो होता क्या है कि वो अपने ऊपर की जिम्मेवारी लोगों के ऊपर डालता है। देखो जब आप कहीं भी शिकायत करते हैं, नहीं मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा लड़का ऐसा है, लोग ऐसे है, पॉलिटिशियन ऐसे है, कॉर्पोरेशन ऐसा है, मेरा स्टाफ ऐसा है, मेरा दोस्त ऐसा है, मेरे कलीग ऐसे है, मेरे पेशेंट ऐसे है, मतलब जब आप लोगों के ऊपर दोषारोपण करते हैं, दोष बताते हैं, होता क्या है कि मेरी उंगली सामने जाती है कि वो ऐसा है, वो सुधारना चाहिए और वो गलत है, उसके ऊपर आप दोष दिए, कंप्लेंट किया, शिकायत किया, तो होता क्या है कि मैं फ्री हो जाता हूं, मैं छूट जाता हूं। दूसरा होता क्या है उसका फायदा कि जब मैं किसी को किसी के ऊपर मतलब किसी के बारे में शिकायत करता हूं तो मैं ये प्रूव करना चाहता हूं, सिद्ध करना चाहता हूं कि देखो मैं सही है और वो गलत है, मैं राइट हूं, मैं सही हूं और वो गलत है, इसलिए मैं शिकायत कर देता हूं, बताना पड़ता है कि मैं ना बराबर हूं, मैं जो बोलता हूं वो बराबर, मेरी मुर्गी की एक ही टांग, मेरा मान, मैं जो बोलता हूं ऐसा करो, और वो सामने वाले को अकल नहीं, मेरे को सब समझता है तो वो मेरे को बोलना पड़ता है। नंबर दो, जब मैं शिकायत करता हूं तो सामने वाले को मैं प्रेशर डालता हूं, उसके ऊपर प्रेशर डालता हूं, उसको दबाता हूं, दबोच देता हूं और मैं मेरा वर्चस्व जो है वो सिद्ध करने लगता हूं, तुम्हें बढ़ावा, तो वो एक हो जाता है। और इसमें फिर होता क्या है कि लोगों को दोष देना, मेरा वर्चस्व सिद्ध करना, मैं बड़ा हूं, प्रेशराइज करना, उसको नीचा दिखाना और फिर मैं सही हूं और वो गलत है, इस तरह का बर्ताव करना, इससे होता क्या है कि मैं अलग रहता हूं, मैं खुश रहता हूं, मुझे कोई जिम्मेवारी लेनी नहीं पड़ती और फिर काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब मैं ऐसा बोलूंगा कि नहीं नहीं मैं जिम्मेवार हूं, मुझे काम करना पड़ेगा, तो वो होता नहीं। अगर लोग बोलते नहीं कि लोग तो वैसा ही बर्ताव करते हैं, फिर मैं उसको दोष कैसा नहीं दूं, मतलब जान दो यार, छोड़ो, लोग नहीं सुधरेंगे, आप जिम्मेवारी, क्योंकि जिम्मेवारी जब आप लेंगे तो आपकी शिकायतें बंद हो जाएगी, जहां जहां आप जिम्मेवारी लेंगे नेचुरली आपकी शिकायतें बंद हो जाएगी। और लोग शिकायत ये करते कि नहीं नहीं लोग बराबर बर्ताव नहीं करते, मतलब छोड़ो, तभी भी छोड़ो, क्योंकि जब आप शिकायत करते हो तो होता क्या है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ते जा रहा है, आपका दिमाग ऐसा गुस्से वाला बन जाता है जब आप शिकायत करते हो तो आपको चिढ़ आ जाती है कि ऐसा क्यों करता है, मैंने ऐसा बोला बार 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 बार, ये ऐसा क्यों नहीं सुधरता है, मतलब ऐसा जब किसी के बारे में शिकायत करते हो तो अपना ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिमाग मतलब दिमाग में गुस्सा आ जाता है, ऐसा टेंशन आता है दिमाग में और ऐसा लगता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, या फिर रेसिग्नेशन आ जाता है, मतलब छोड़ दो यार कुछ नहीं हो सकता इसमें, ऐसा आदमी दुखी हो जाता है। तो फिर शिकायत यदि आप करना ही छोड़े तो, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना साइड होता है देखने का, हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया होता है देखने का, हर व्यक्ति अपने अपने जगह पे राइट है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं राइट हूं, मैं सही हूं और वो गलत है, तो तभी भी लोगों से नहीं, मगर वो गलत है तो करना क्या, अरे भाई आपकी जान जा रही है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी तबियत खराब हो जाती है आप जब गुस्सा करते हो, जब आप लोगों को दोष देते हो तो आपकी तबियत खराब होगी, आपका हो सकता है कि आपका सर दर्द हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपको मतलब आत्मअभिव्यक्ति नहीं रहेगी, आपका आपकी खुशी निकल जाती है, लोगों को दोष देके मिलेगा क्या, जब वो गलत है तभी भी अपने को वाजिब होना है, शिकायत करना बंद करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल देता हूं हाईवे का, समझो आप हाईवे पे जा रहे हो, आप कार में हो, कार चला रहे, और जैसा अपने देश में है कि लेफ्ट साइड से अपने को कार चलाना पड़ता है, तो कार आप बराबर लेफ्ट साइड से चला रहे, हाईवे पे सामने वाले मतलब साइड से अपोजिट साइड से कोई बहुत बड़ी लॉरी ट्रक आ रहा है और अभी उसने भी लेफ्ट साइड से जाना चाहिए और वो ही लेफ्ट साइड से जाता है और अपन अपना खुद का कार जो है वो लेफ्ट साइड से चलाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आएंगे नहीं। अभी सामने वाले ने चलो कोई गुस्ताखी की और सामने वाले ने उसके राइट साइड से ट्रक चलाया, अभी होगा क्या कि उसकी उसका ट्रक और मेरी कार आमने सामने आ गई। अब देखो ना वो गलत है मुझे मालूम है, तभी मैंने कंप्लेंट करना या नहीं, नहीं मैं शिकायत करने वाले उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने उसके लेफ्ट साइड से जाना चाहिए, वो ऐसा कर रहा क्यों है, मैं तो बराबर हूं, मैं तो बराबर मेरे साइड से जा रहा हूं, उसने मेरी जान जा रही है इसमें, मैं खोखला हो रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, एक्सीडेंट हो जाऊंगा, नहीं मगर मैं राइट हूं, मैं सही हूं
और मैं बराबर हूं, मैंने नहीं, मैंने क्यों साइड छोड़ना चाहिए, ऐसा मैं करके रहा एक्सीडेंट हो जाएगा। इससे अच्छा बेहतर ये है कि चल भाई तेरी से मैंने कहा मेरी कार बाजू में ले जाना चाहिए उसको, वरना तू जा। क्योंकि जब जब सामने वाला जब अपने से मतलब टकरा रहा है, सामने वाला कोई सुधरने को तैयार नहीं और कोई सुधरने वाला है नहीं, तो फिर मैंने मेरी साइड बराबर है और मैंने मेरे साइड से मतलब देख के और अपना नुकसान मतलब अपन सही भी है और नुकसान क्यों करना है। फिर होता क्या है कि जो शिकायत करने वाले जो लोग है वो कोई काम में आगे बढ़ते नहीं, वो काम में कभी आगे बढ़ते क्योंकि उनका काम क्या है, शिकायत करना। क्यों? क्यों वो जिम्मेवारी लेते हैं। आप देखो ना, जब शिकायत करते हैं लोग तो शिकायत करने वालों के पास में शिकायत करने वाले लोग जमा हो जाते हैं। दोपहर में किटी पार्टी देखो या औरतें कहीं बैठी रही तो शिकायत करती, मेरी सास तो ऐसी है, मेरी ननंद तो ऐसी है, मेरी तो जेठानी ऐसी है, मेरी देवरानी ऐसी है, मतलब सब कंप्लेन करना चालू करेंगे। तो दूसरी बोलते कि तेरा तो कुछ भी नहीं, मेरी सास तेरे सास से और खतरनाक है, मतलब ऐसा कंप्लेन चालू रहेंगी। उसमें होता क्या है कि कंपटीशन लग जाती है कि किसकी सांस ज्यादा खतरनाक है। उसमें होना जाना कुछ नहीं, कंप्लेन करने से शिकायत करने से होता कुछ नहीं। तो हर जगह आप जिम्मेवारी लो, जिम्मेवारी से काम करो, उसमें आपको काम करने में मजा आएगा। जहां भी आप खड़े हो, जो भी आप काम कर रहे हो, वो देखो कि वहां मैं अभी क्या कर सकता हूं। चलो सामने वाला व्यक्ति जो समझो अपनी पत्नी जो है वो बराबर अपने से बर्ताव नहीं कर रही, चलो गुस्से वाली, मेरा लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ भी हो सकता है कि मेरा लड़का जैसा बर्ताव करना चाहिए वैसा बर्ताव करता नहीं है, उसका बिहेवियर बराबर नहीं है, मेरी पत्नी झगड़ालू है, मेरा भाई ऐसा ऐसा है, ठीक है जो है वो है। चलो अभी आप क्या करते हैं? शिकायत जब हम करते हैं तब हम काम करना बंद कर देते, जिम्मेवारी लेते नहीं और कोई भी एक्शन लेते नहीं है, जो जैसा है वैसा है और जैसा नहीं है वैसा नहीं है, ऐसा समझ के वहां यदि हम कृति करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं बगैर शिकायत से, तो वहां काफी सारा अच्छा जीवन जीने का मौका हमें सामने नजर आएगा, सामने दिखेगा और हम लाइफ में काफी सारे रिजल्ट्स हासिल कर पाएंगे। तो आज से एक शपथ ले लो, कसम खा लो कि मैं किसी के बारे में भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। जहां भी शिकायत का मौका आएगा या शिकायत करना चालू करूंगा मैं, तो मुट्ठी लेना अपने मुंह में डालना, शिकायत करना बंद, और वहां जिम्मेवारी लेना है कि नहीं मैं जिम्मेवारी ले रहा हूं, चलो अभी मैं क्या कर सकता हूं ये कंडीशन में वो मैं देखूंगा। तो इससे अपना जीवन जो है वो काफी बेहतरीन और बहुत आनंदमय हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। हमारा जो वेबसाइट है उसको आप विजिट कर सकते हैं, वीडियो जो यूट्यूब पे काफी है वो आप देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब करो, फिर हमारे फेसबुक के पेज को भी आप लाइक करो सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय। Thank you.